हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस को बनाकर तैयार करूंगी और ड्रेस को नए तरीके से बनाकर तैयार किया है, आप आसानी से बना सकते हो। चलिए आइए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कलर से कान्हा जी की ड्रेस को कंप्लीट करूंगी, ब्लैक एंड वाइट। और वाइट कलर की पट्टी को मैंने कट किया है और इस पर चिकन वर्क किया हुआ है, बीच बीच में सीपी सितारे लगे हुए हैं। और इसका मैं मेजरमेंट बता देती हूँ, 4.5 इंच की चौड़ाई लेकर और लेंथ देखेंगे तो 25 इंच की लेंथ की पट्टी को कट किया है और सेम साइज में मैंने दूसरी पट्टी को कट किया है और सेम ही साइज में मैं ब्लैक कलर की पट्टी को भी कट करूंगी। और इसकी मैंने 25 इंच की 1 पट्टी को कट किया और 25 इंच की दूसरी पट्टी को कट किया, यानी 50 इंच की 2 पट्टियों को कट किया है। ब्लैक कलर के फैब्रिक से भी पट्टी को कट करेंगे और इसकी चौड़ाई मैं सेम ही रखूंगी, 4.5 इंच, और लेंथ 40 इंच लेंथ रखूंगी। तो इस पट्टी को भी मैं कट कर लेती हूँ। वाइट कलर के दोनों पीसों में से एक पीस को हटाऊंगी और एक पीस लूंगी और इस पर मैं लैस लगाऊंगी। और लैस कैसे लगाऊंगी, ऐसे अंदर की साइड इसको फोल्ड करूंगी और ऐसे रखूंगी लैस को। थोड़ी सी लैस में 1/2 इंच बाहर निकालूंगी, फिर आगे ऐसे फोल्ड करूंगी और लैस लगाऊंगी। एक पीस पर मैंने लैस लगा लिया, अब दूसरे पीस पर लैस लगाऊंगी। इसको आगे से ऐसे फोल्ड करूंगी, फोल्ड करने के बाद लैस को लगाऊंगी और 1/2 इंच नीचे निकालूंगी और ऊपर रखकर ऐसे इसको भी स्टिच कर लेती हूँ। दोनों पट्टी में अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद बारीक वाली मैंने ब्लैक और गोल्डन कलर की लैस ली है, इसको मैं आगे से ऐसे फोल्ड करूंगी और फोल्ड करने के बाद ऐसे रखूंगी और ऐसे सीधी लगाऊंगी लैस। दोनों पीसों पर नीचे और यहाँ पर चारों साइड लैस लगाने के बाद इसमें मैं बल भरूंगी। और बल कैसे भरूंगी, ऐसे मैं फैब्रिक को रखूंगी और ऐसे बल भरूंगी और बीच में 1.5 इंच का गैप रहेगा, फिर इसके ऊपर दूसरा बल रखूंगी, फिर 1.5 इंच का गैप रहेगा, फिर तीसरा बल रखूंगी। और इस तरीके से मैं बल के ऊपर बल यानी 1 पॉइंट का बीच में गैप रहेगा और फ्रिल भरूंगी। आगे मैंने ब्लैक कलर की पट्टी को लिया और इस तरफ से फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद इसमें मैं फ्रिल भरूंगी। तो इसमें मैं फ्रिल भर लेती हूँ, ऐसे बीच में 2 इंच का गैप रहेगा और ऐसे बल के ऊपर बल रखूंगी। कॉटन का मेरा फैब्रिक है और बल एकदम से बैठ जाते हैं। ब्लैक कलर की पट्टी में प्लेट भरने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करूंगी और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर निशान लगाऊंगी बीच में। और वाइट कलर के पीस को लूंगी, निशान को मैं बीच में रखूंगी ऐसे, बीच में मैंने निशान लगाया। तो इस निशान के ऊपर मैं इसको 1 पीस को रखूंगी और दूसरे पीस को भी इसी निशान के ऊपर रखूंगी और इस तरीके से मैं इसको भी अटैच कर लेती हूँ। बीच में ब्लैक कलर की पट्टी को अटैच करने के बाद ये ऐसे फ्रील है, जब भी आप पहनाओगे तो ये ऐसे खुल जाएगी।
वरना ये ऐसे बंद हो जाएगी। और इस तरफ मैं खुला ही रखूँगी और यहाँ पर मैं बॉर्डर बनाऊँगी। बॉर्डर बनाने के लिए पट्टी को कट किया है और इसकी मैं लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ आपको। 2.5 इंच की चौड़ाई लेकर और 11 इंच की लंबाई लेकर पट्टी को कट किया और इससे मैं बॉर्डर बनाऊंगी। बैक साइड से बॉर्डर बनाने के बाद इसको आगे करूंगी, सीधा करूंगी और इसको ऐसे फोल्ड करूंगी। तो इसको भी मैं फोल्ड कर लेती हूँ। ऊपर का बॉर्डर बनाने के बाद और इसमें ये डोरी डालने के बाद ड्रेस कंप्लीट है। ऐसे टाइट करेंगे इसको कान्हा जी को पहना के, तो ये ड्रेस कंप्लीट है। और इसमें अब चोली को अटैच करेंगे। चोली के लिए वाइट कलर की पट्टी को कट किया है और इनका मेजरमेंट बता देती हूँ। 2 इंच की चौड़ाई लेकर और लेंथ 17.5 इंच की लेंथ लेकर चोली को तैयार करूंगी। और इसको मैं क्या करूंगी, ऐसे डबल करूंगी बैक साइड से और डबल करने के बाद पास पास एक सिलाई लगाऊंगी और सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करूंगी। चोली की पट्टी को सीधा करने के बाद बारीक वाली लैस लिए और इसको ऐसे रखूंगी सिलाई वाली साइड पर और ऐसे अटैच कर लेती हूँ। चोली की पट्टी को स्टिच करने के बाद इसको मैं आप फोल्ड करूँगी। आप फोल्ड करने के बाद बीच का सेंटर लूँगी और इसको ऐसे ऊपर चढ़ाऊँगी एक पट्टी के ऊपर, तो ये बी शेप में यहाँ से बन जाएगी। और इसको मैं घेर के बीच में यहाँ पर ऐसे अटैच करूँगी, यानी अंदर से 2-3 सिलाई लगाऊँगी। और ऐसे चोली मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ली है क्योंकि कान्हा जी की ड्रेस डालते हुए इसकी पट्टी को अंदर लेना है। अगर नहीं आएगी अंदर तो ये खींची रहेगी, ड्रेस अच्छे से नहीं आएगी और इसकी डोरी ऐसे बंद हो जाएगी। ये कान्हा जी की ड्रेस को आप 6 और 7 नंबर कान्हा जी को डाल सकते हो।